सत श्री अकाल स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। पंजाब सरकार ने कौमी खुराक सुरक्षा एक्ट तहत घर घर आटा पहुंचाने की योजना अमली रूप देने की तैयारी खिंच ली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 फरवरी खन्ना विखे स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। खुराक ते फूड सप्लाई विभाग मार्केट ने आप सरकार की इस योजना नेपरे चाड़ने की तैयारी खिंच ली। आम आदमी पार्टी ने 11 फरवरी खडूर साहब विखे रैली करने की योजना भी बनाई है। हुण तक दी मिली रिपोर्टा मुताबिक सरकार यह प्रोग्राम 10 फरवरी खन्ना विखे करने की योजना अमली रूप दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जेकर साबका प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चोणा जित के सत्ता च वापस आते हैं तो वह विदेश मंत्री नहीं बनेंगे। मरहूम साबका प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का 35 साल पुत्र बिलावल नवाज शरीफ के छोटे भरा शहबाज शरीफ की अगवाई वाली गठजोड़ सरकार 2022 देश का सब तो नौजवान विदेश मंत्री बनया। बिलावल ने कहा कि जेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी 8 फरवरी चोणों तो बाद सत्ता चाहती है तो उसलिए उस हथ मिला मुश्किल होगा। संसद के दोवां सदनों की कार्रवाई चल रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा राष्ट्रपति के भाषण से धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस से हमला बोलते कहा कि पार्टी ने राहुल गांधी को वार बार लॉन्च किया। राहुल गांधी से हमला करते हुए कहा कि एक उत्पाद को वार बार लॉन्च करने कारण कांग्रेस अपनी दुकान बंद करने तक पहुंच गई। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आतिश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ईडी की कार्रवाई से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाला झूठ का पुलंदा सानू ड्रोन से चुप कराने लिए आम आदमी पार्टी के आगुओं के घर से ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले लेकर लगातार एक्शन चाहे ताजा मामले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के हिस्से वजह दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल निजी सकत्र विभव कुमार और आम आदमी पार्टी से जुड़े कई होर लोगों के ठिकाने से छापेमारी की है। राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास के मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों बीते नवी दिल्ली में पहली बार मीडिया के रूबरू हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों वख-वख धर्मों के मुखियों को पार्लीमेंट शामिल होने कहा गया है, जिस तहत डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने भी खास तौर पर शिरकत की। इस मौके बाबा जी ने सब धर्मों बारे बोलते कहा कि असं सारे एक हाँ, धर्मों तो पहले इंसानियत से सानू सारे इंसानियत की सेवा को पहल देनी चाहिए। पंजाब सरकार ने वड्डा कदम चुकन जा रही है, जिसके तहत सूबे में होने वाली रजिस्ट्रियां ते एनओसी वाली शर्त हटाई जा सकती है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी। अपने एक्स अकाउंट से जानकारी देंदे मुख्यमंत्री ने दसिया कि पंजाब में हर किस्म की रजिस्ट्रियां ते एनओसी वाली शर्त खत्म हो रही है। इसके वेरवे जल्द ही सांझे किए जाएंगे। इतने दस दिए कि जेकर पंजाब में रजिस्ट्रियां ते एनओसी वाली शर्त खत्म हो जाती है तो इस नाल आम जनता को वड्डी राहत मिलेगी। अदालत ने रिश्वत के एक मामले में पंजाब पुलिस के साबका महिला डीएसपी राका गेरा को दोषी करार दिया। हुण सीबीआई की विशेष अदालत 7 फरवरी सजा बारे अपनी फैसला सुनाएगी। मोहाली के मुलापुर वासी बिल्डर के मल्होत्रा की शिकायत से सीबीआई ने राका गेरा 25 जुलाई 2011 सैक्टर 15 चंडीगढ़ की कोठी तो 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने गिरफ्तार किया। सीबीआई की विशेष अदालत ने राका गेरा 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के 13 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया। दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। राका गेरा अजे जमानत पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हिस्से वजो रामगढ़ पहुंचे। इस दौरान वह रामगढ़ चट्टू पालू घाटी में फांसी वाली थां भी पहुंचे। इतने क्रांतिकारी टिकैत उमराज सिंह शेख भिखारी फांसी दी गई सी। इस दौरान राहुल गांधी ने दोवां नूं श्रद्धांजलि दी। इस लड़ी में उन्होंने घाटी में साइकिलों से कोला लद के ले जा रहे लोगों नाल गल की। कोले नाल लदे साइकिलों भी थोड़ी दूर तक खिंचया। उन्होंने दसिया कि साइकिलों से 200 किलो कोला लैके रोजाना 30 से 40 किलोमीटर का सफर करने वाले इन्होंने नौजवानों की आमदन ना मात्र है। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भरा नरोत्तम सिंह ढिल्लों के गुआ च कतल मामले में बड़ा खुलासा होया। महाराष्ट्र पुलिस की जांच में सामने आया कि नरोत्तम ढिल्लों का गला घुट के कतल किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट मुताबिक नरोत्तम ढिल्लों के शरीर से कई थावां अंदरूनी जख्म सन। पुलिस ने मामले में महाराष्ट्र के पैन इलाके से एक औरत उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र पुलिस ने दोवां मुलजमान अदालत में पेश करके रिमांड लिया। इस दौरान गोवा पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया, जदों की औरत समेत 4 दोषियों खिलाफ कतल लुटखोह समेत वख-वख धाराओं तहत मामला दर्ज किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि हुण ट्रांसजेंडर भाईचारे लिए भी दिल्ली बसों में सफर मुफ्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इसनों कैबिनेट में पास करके लागू किया जाएगा। उन्होंने आस प्रगटाई कि इस फैसले नाल किन्नर भाईचारे के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि साढ़े समाजिक माहौल में किन्नर भाईचारे को बहुत हद तक नज़रअंदाज किया जाता, अजिहा नहीं होना चाहिए। वह भी इंसान ने तो उन्होंने भी बराबर के अधिकार ने। लोकसभा 2024 चोणों का समा नजदीक आ रहा है, जिसनों देखते हुए चोन कमिश्न ने भी अपनी तैयारियां बिड़ दी ने। इलेक्शन कमिश्न ने सारिया सियासी पार्टियों लिए नवी हदायत जारी की। इन्होंने पाबंदियों की उलंघना करने वाली पार्टी से कार्रवाई की जाएगी। चोन कमिश्न वालों जारी हुक्म अनुसार हुण कोई भी सियासी पार्टी बच्चों अपने प्रचार का हिस्सा नहीं बना सकेगी। बच्चों प्रचार लिए किसी प्लेटफार्म से नहीं लिया जाएगा, चाहे वह टीवी से हो या इंटरनेट से या फिर रैलियां हो। चोन कमिश्न ने राजनीतिक पार्टियों को कहा कि पोस्टर से पैम्फलेट वंडन या नारेबाजी समेत किसी भी तरह के प्रचार में बच्चों की वरतों न कर।
चंडीगढ़ मेयर की चोण लैके विवाद लगातार वादा जा रहा है। इस दौरान मेयर चोणों को लेकर एक नवी वीडियो सामने आई। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई दौरान आप वालों एक नवा वीडियो पेश किया गया। इस चोण अधिकारी अनिल मसीह बैल्ट पेपर से टिक करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो देखा जा रहा है कि अनिल मसीह बैल्ट पेपर से टिक करता है, बाद में सीसीटीवी कैमरे वाल देखता है। आम आदमी पार्टी पंजाब वालों ट्वीट की गई 25 सेकेंडा की वीडियो में मसीह को सीसीटीवी कैमरे वाल देखते हुए तो बैल्ट पेपर के निशान लगा के एक खुले बक्से में पाते देखा जा सकता है। पोस्ट लिखी है कि इस तो बड़ा सबूत की हो सकता है। 12 तो 14 फरवरी तक किला रायपुर पेंडू ओलंपिक खेडां करवाईयां जाएंगे। कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान वालों चंडीगढ़ स्थित अपने दफ्तर विखे खेडां दा पोस्टर जारी किया गया। मंत्री अनमोल गगन मान ने पोस्टर जारी करदे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पंजाब सरकार सूबे विच खेडां दी पुरातन शान नूं बहाल करन लई वचनबद्ध है। इन्हां खेडां दी प्रबंधकी कमेटी नूं हर तरह दा सहयोग दिता जाएगा तां जो आने वाले सालों में होर चैंपियन खिलाड़ी पैदा किए जाएं। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने जथेदार गुरदेव सिंह कौंके के कतल मामले में पंजाब पुलिस के संबंधित तत्काली अधिकारियों ते पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी करके 9 अप्रैल 2024 नूं अगली सुनवाई तय की है। मान्य उच्च अदालत में जथेदार कौंके के परिवार वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल यह पटीशन सीनियर एडवोकेट पूरन सिंह हुंदल राही दायर की गई सी। जानकारी दिंदे श्रोमणी कमेटी के मैंबर ते कानूनी विंग के मुखी एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका ने दस्सिया कि जथेदार गुरदेव सिंह कौंके के कतल संबंधी साबका आईपीएस बीपी तिवाड़ी की रिपोर्ट सामने आने मगरों उच्च अदालत में पाई पटीशन ते अहम सुनवाई हुई, जिस तहत पंजाब सरकार से संबंधित पुलिस अधिकारियों ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया। पूर्वी कनेडा में कई दिनों तो चल रहे बर्फीले तूफान कारण स्थानक एमरजेंसी की स्थिति पैदा हो गई, जिस नाल कई स्कूल यूनिवर्सिटियां ते सरकारी दफ्तर बंद हो गए हैं। स्थानक मीडिया का हवाला देते दसा जा रहा है कि नोवा स्कॉशिया की केप ब्रेटेन खेतरी नगर पालिका ने खेतर के कुछ स्थानों पर 80 सेंटीमीटर तक बर्फबारी होने कारण स्थानक एमरजेंसी की घोषणा की है। नगर पालिका वालों जारी एक बयान में निवासियों जगह जगह पनाह लैण लई निर्देशित किया गया है। घर तक पहुंचने की सहूलत लई अपने घर के प्रवेश मार्गों वॉकवे और ड्राइववे तो बर्फ को साफ करने की सलाह दी गई है। फिलहाल स्पीड न्यूज़ विच बस इन्ना ही, मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।